एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ फ्राइड आलू लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों की फेवरेट है ये सब्जी। वो अगर आप बना कर देंगे तो बच्चे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और टिफ़िन में भी देंगे तो टिफ़िन भी चट कर जाएंगे और ज़रा भी आपको परेशानी नहीं होगी कि बच्चे खाना नहीं खाते। या कोई भी सब्जी आप इसमें मिला सकते हैं, वो भी खा लेंगे, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये कैसे बनेगी, क्या क्या ट्रिक्स है, मैंने क्या क्या डाला है इसमें, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कढ़ाई रखी हुई है, पैन रखा है हमने और उसमें सर्विंग चम्मच से 1 चम्मच तेल डालना है। और ये देखिए इस तरह से हमने आलूओं को काटा है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे, आप अपने पसंद के हिसाब से बड़े या छोटे और भी छोटे काट सकते हैं आप। अब इसे हम लोग सबसे पहले फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है और बहुत ज़्यादातर इसे फ्राई करते हुए इसे पका भी लेना है। और ये देखिए काफ़ी हद तक आलू हमारा फ्राई हो गया है और काफ़ी हद तक पक भी गए हैं। बस थोड़ा सा परसेंट बचा है, वो जब मैं दूसरी सब्ज़ी डालूंगी उसके साथ ये पक जाएगा। बाकी अच्छे से फ्राई हुआ है। देखिए आलूओं को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 पिंच हींग है और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसे हमने बारीक बड़े बड़े लच्छों में काटा हुआ है। इसको डालकर फ्राई कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट पिंक कलर की हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। और इसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च जिसे हमने लंबाई में काटा हुआ है, इसे भी डाल देंगे। और प्याज के साथ तीनों चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए प्याज और जो भी हमने सामान इसमें डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून रेड चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आप खाते हो। टेस्ट के हिसाब से नमक। और इन सबको अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ हम डाल देंगे ये फ्राई किए हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। और ये देखें अच्छे से हमने सभी सब्जियों को मिला लिया है। और अब इसमें हम ढक्कन लगाकर इसे 3 मिनट तक स्लो आंच पे इसको पकने देंगे। फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखें 3 मिनट हो गया है, अब इसे देख लेते हैं। ये देखें सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है, आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से सब्जी आप बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों के टिफ़िन में, ऑफिस में आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत ही अच्छे से बच्चे खाएंगे। इसमें और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं अपने मनपसंद की। और इसके बाद हम डाल देते हैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा। और ये 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च है, इसको डाल। ये देखिए फ्रेंड्स चाइनीज़ फ्राइड आलू की सब्जी बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी सब्जी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। इसी तरह मैं मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँगी।